पांच साल तक नेता बोलते रहे और जनता ने ध्यान से सुना, लेकिन अब जनता बोलेगी और नेता सुनेंगे, क्योंकि वो बोलता है और सबकी पोल खोलता है। चुनावी बिगुल बज चुका है, दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है और आज हम मौजूद हैं संभल जिले की बहजोई में, जो चंदौसी का हिस्सा है। चंदौसी विधानसभा सीट 2012 में बनी थी, यहाँ पर लक्ष्मी गौतम उसकी एमएलए बनी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह सीट इस बार कांग्रेस को गठबंधन में दे दी है, तो लिहाजा लक्ष्मी गौतम अब यहाँ की विधायक नहीं रही हैं। तमाम यहाँ के लोग मौजूद हैं जो आज इस पर चर्चा करेंगे कि वो उनसे कितने, जो उन्होंने वादे किए थे उस पर कितना खरी उतरी है, जो नए विधायक वो चुनेंगे उस पर वो उनकी क्या उम्मीदें हैं और क्या उनके वादे और जो इनके क्या इनके डिमांड है, यहाँ पर क्या विकास काम नहीं हो पाए, इन्हीं सब बातों को लेकर वोटर तो बोलेगा में चर्चा होगी। मैं हूं आपके साथ प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम वोटर तो बोलेगा। हमारे साथ सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं कि जो यहां से प्रत्याशी मैदान में हैं उसमें बीएसपी की ब्रह्मावती हैं और बीजेपी से गुलाब देवी, कांग्रेस की विमलेश कुमारी जिनको टिकट मिला है समाजवादी गठबंधन में, समाजवादी का सपोर्ट है, ये लोग नहीं है हमारे बीच में, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से कृष्ण मुरारी जी हैं जो आए हैं और बीएसपी की ओर से हमारे साथ हैं रईस कुरैशी जी जो ब्रह्मावती जी के प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस की ओर से हमारे साथ हैं प्रदीप आर्या जी हैं, बीजेपी के संभव जैन और महान दल के भी हमारे साथ हैं कृष्ण मुरारी, अच्छा धर्म सिंह सैन के प्रतिनिधि हैं ये। ठीक है, हम इसके साथ ही चर्चा शुरू करेंगे और सबसे पहले हम जाएंगे समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि आए हैं, जो वहां के नेता हैं स्थानीय, जो उनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार उनका पांच साल विधायक रहा, ये सीट आपके नेतृत्व ने अब कांग्रेस को दे दी, कैसा लग रहा है आपको, क्या जवाब दे पाएंगे जनता को, जो आपने वादे किए थे उस पर जो खरे नहीं उतरे। तमाम लोग सवाल पूछेंगे आपसे कि आखिरकार हमने जो लक्ष्मी गौतम को जिताया था और ये सीट नेताजी ने, नए नेताजी ने समाजवादी पार्टी के कांग्रेस को दे दी। देखिए, जहां तक गठबंधन की बात है, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है और अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका फैसला आदरणीय राहुल गांधी जी से जो बैठकर गठबंधन हुआ उसके तहत उन्होंने इस सीट को मांगा। हमारे सिटिंग विधायक जो यहां लक्ष्मी गौतम थी, उन्होंने भी बहुत कार्य किए थे और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि ये सीट गठबंधन को दी जाए, तो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विमलेश कुमारी जी यहां से प्रत्याशी हैं सपा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ। विमलेश कुमारी जी प्रत्याशी हैं सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ, लेकिन क्या सवाल ये है कि बीजेपी भी इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, बीजेपी क्या सोचती है, क्या ये यहां के मतदाताओं के साथ छल है या आपको लगता है कि ठीक है गठबंधन की एक नीति है, वो सीट उनको जानी थी, या बीजेपी को वोट दे जनता उन्हें जिताए। और साथ में मेरा एक सवाल ये भी है कि हम तमाम जगह घूम के भी आ रहे हैं, असमौली गए थे, लोगों का कहना था सांसद चुना क्षेत्र में नहीं आते, विधायक चुने तो क्यों चुने। देखिए, जहां तक इस सीट का सवाल है, जो यहां की विधायक चुनी गई लक्ष्मी गौतम, वो दोबारा जीत नहीं सकती थी, इसलिए सीट गठबंधन में देनी पड़ी। वो मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो केवल अपने अफेयर के लिए चर्चा में रही, ना ही उन्होंने कोई विकास कार्य किया। उनका आरोप हो सकता है निजी तौर पर, लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं, उनसे पूछेंगे उनके जो प्रत्याशी हैं क्या उनके वादे हैं, क्या उनके दावे हैं, क्या उनका घोषणा पत्र है। आप खड़े होकर बताइए कि जनता के सामने सारे वोटर हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के, कि आपके प्रत्याशी को क्यों चुने ये लोग। हमारे प्रत्याशी के लिए इसलिए चुने कि वो युवा है और उसके अंदर एक क्षमता है कार्य की, हर युवा के लिए आज इस देश के लिए आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ युवा मतदाता है, इसलिए युवाओं के लिए पसंद करते हैं, इसलिए नहीं, हमारे प्रत्याशी के लिए गठबंधन से बहुत बल मिला है और हम वो जो वायदे हैं उनके लिए कहते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। ये केवल हमारा हम फेंकू वाली राजनीति पे विश्वास नहीं करते हैं, हमारा कहना यह है कि हम काम करके दिखाएंगे। 27 साल बेहाल का नारा कांग्रेस ने दिया था, अब 27 साल खुशहाल हो गया।
27 साल बेहाल का जो नारा है उसमें हमारे लिए ये कहना है कि जो पार्टी का हमारा एक उनसे समझौता हुआ है उस समझौते के तहत हमारे लिए अखिलेश जी जो उनके विकास के कार्य हैं उस विकास के कार्य के लिए उन्होंने पसंद किया है, इसलिए आज अखिलेश और राहुल के संबंधों के लिए लोग नकार नहीं सकते क्योंकि यूपी को अखिलेश और राहुल पसंद है। ये कह रहे हैं कि यूपी को अखिलेश और राहुल का साथ पसंद है, लेकिन बहन जी कहती हैं कि इस गठबंधन में कोई दम नहीं है। बहन जी का खास मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। बीएसपी के प्रत्याशी तो नहीं है, उनके प्रतिनिधि हैं, वो क्या कहते हैं जी? आपके प्रत्याशी क्यों चले यहाँ के लोग? गठबंधन कमजोर लोग करते हैं। हमारी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम है और भयमुक्त सरकार जाने का वादा करती है और गुंडों को जेल भिजवाने का काम करेगी और हमारी पार्टी में आज स्पष्ट बहुमत के लिए तैयारी है। स्पष्ट बहुमत 260 सीटें लेकर हमारी पार्टी सत्ता में आ रही है। और चलिए, वो तो आपका दावा है कि गठबंधन कमजोर है और बीएसपी सत्ता में आ रही है, गुंडों पर अंकुश लगाएगी, लेकिन एक सवाल ये भी उठाया कि मुख्तार अंसारी जैसे लोग जब आपकी पार्टी में आएंगे तो क्या वो बेदाग हैं? देखिए, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें दागी लोग नहीं है, या बीजेपी सही या समाजवादी पार्टी सही, तो खरबूजों को देख के खरबूजा रंग तो लाता ही है। हर पार्टी के लिए ऐसे आदमियों की जरूरत है जो कि भय से अपने जो हिम्मत से काम करा सके, सरकार बनवा सके, ऐसा हमारा जो है दावा है। हमारे जो बहन मायावती जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी, उन्होंने जो है वो सोच समझ के ही फैसला लिया है और जब उन्होंने नकार दिया तो बहन जी ने उनके लिए स्वागत करके अपने साथ ले लिया, ऐसा बहन जी का कहना है। लेकिन अखिलेश ने तो उनको इसलिए नकारा था कि उनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं मंसारी बंधुओं के खिलाफ, तो जिसको अखिलेश ने नकार दिया उसको बीएसपी ने क्यों स्वीकार लिया? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। खैर, इस पर हम बाद में आएंगे, आप ऐसे मत होइए, आपके पास फिर से आते हैं, हम सब वोटरों के बीच में जाएंगे, उनसे भी जानेंगे वो क्या सोचते हैं। यहाँ के हमारे बुजुर्ग वार हैं, मैं उनसे जरूर चाहूंगा कि वो क्या सोचते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ क्या होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ। पार्टी की बात छोड़िए, पार्टी कोई भी आए, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, लेकिन जो यहाँ की जनता को, बहजोई को जो चाहिए, जो संभल को चाहिए, वो क्या है जो आपको चाहिए? ऐसा है, अब इलेक्शन आ गए, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं और कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना सच बोल रहा है। मैं तो वही बात कहूंगा, देखिए सबसे बड़ी चीज ये कि हमें वो नेता चाहिए कि जो विकास करता हो, हमें वो नेता चाहिए कि जो यहां से गुंडागर्दी, रिश्वतखोरी, मक्कारी, हरामकारियों को खत्म करने वाला हो। अब सवाल हो जाता है इस चीज का कि कौन क्या झूठे दावे तो बहुत कर रहे हैं। यहाँ किसान है, उसकी भी कोई खबर लेना, हमने साहब विकास करा है, हमें दिखाओ कहाँ किसने विकास किया है। एक चीज तो ये होती है, दूसरी बात ये कि चंद गुंडों के काम हो जाते हैं, अगर उसको विकास कहते हैं तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए किसी से भी। सीधी इनका कहना है कि चंद लोगों के काम होते हैं, ऐसा विकास नहीं चाहिए हमारे। हम आप ही से बात कर रहे थे जी, चंदौसी में क्या नहीं है जो होना चाहिए? चंदौसी में देखिएगा, राजनीति जो है वो इतनी दूषित हो गई है, कोई जातिवाद पर लड़ रहा है, कोई धर्मवाद पर लड़ रहा है। हमारे देश का सबसे बड़ा नुकसान दो चीजों से, लोग तो कहते हैं कि काले धन से और पीले धन से, हमारे यहाँ का नुकसान दो चीजों से, एक आतंकवाद से, एक हिंदू मुस्लिम झगड़े जो हमारे आपस में कम्यूनल फसाद होते हैं। इससे अगर कोई ये कहता हो कि एक वर्ग को फायदा होता है या दूसरे वर्ग को फायदा होता है, ये झूठ है। मरने वाला मर गया तो उसको नुकसान, उसको नुकसान हो गया। आप यहाँ के लोग, हमें वो चाहिए आदमी कि जो यहाँ शांति व्यवस्था को भी कायम कर सके, ईमानदारी के साथ जाति भावनाओं से उठकर के काम करे। बिल्कुल, इस पे ताली बजनी चाहिए इनकी बात पर। जाति व्यवस्था से हट के काम करने वाला उनको प्रतिनिधि चाहिए, वो किसी पार्टी का हो, वो जनता तय करेगी, वो आप लोग तय करोगे। मैं इन इधर से कोई सज्जन जो बोलना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे जी? विकास जी बताइए जी। देखिए, हमें धर्म और जाति से उठकर देश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए तो चुनाव हो ही रहा है अभी। मेरी बात चंदौसी के विकास क्या कहना चाहता हूँ, मैं चंदौसी की विकास की भी बात उसी में, क्योंकि मैं खुद विकास हूँ इसलिए विकास की बात करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
खुद विकास है। बताइए विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा क्या है? डेवलपमेंट जी, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट चाहिए आपको? मतलब किसी भी चीज में, यानी आओ कि अच्छी सड़कें, अच्छी लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। बात यह है कि हम लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। पूरी बात, पूरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमें देश के विकास के लिए और अपने नगर के विकास के लिए बात करनी चाहिए। वो बीजेपी के सपोर्ट में है लेकिन बाकी लोग खूब सुनियोजित तरीके से यहाँ आए हुए हैं और इनका जो है ये जो है खाली बातें करते हैं और इनका कोई काम नहीं है नारे लगाने के अलावा। होने दीजिए, वो चल रहा है, माहौल गर्मा गया है, सारे दलों के लोग हैं वो सुनना नहीं चाहते। अब जैसा कि आपने देखा कुछ हमारे सवाल या वोटरों की अपनी आवाज जो वो कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे साथी जो यहाँ मौजूद थे उनको शायद बुरी लग गई और वो यहाँ हंगामा करने लगे, सारा सो हंगामे की भेंट चढ़ जाता। लेकिन हम तारीफ करना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन की, उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया और जो तमाम जागरूक लोग हैं जो चाहते हैं कि संभल में, बहजोई में, चंदौसी में मतदान हो, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और वास्तव में सिर्फ अधिकार नहीं है, उनका कर्तव्य भी है कि वो वोट डालें। और के न्यूज की जो खास पेशकश है वोटर तो बोलेगा, हम लोगों का उद्देश्य भी यही है कि लोगों को जागरूक करें, वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जब उन्हें सरकार की आलोचना करने का अधिकार तभी है जब वो एक अच्छा योग्य प्रतिनिधि चुने और अपनी मर्जी से सरकार चुने, अच्छी सरकार चुने, अच्छे जनप्रतिनिधि चुने। के न्यूज किसी पार्टी का यहाँ प्रवक्ता बनकर काम नहीं करता है। हम वही कहेंगे जो जनता के हित की बात होगी, जनता के लिए होगी और जनता की ओर से होगी। इसलिए हम वोटर तो बोलेगा कार्यक्रम के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं और लोगों की बात को, सत्ता में बैठे और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत और सरकार को चला रहे मौजूदा सिस्टम तक और केंद्र तक पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, उनकी विधानसभाओं में क्या क्या दिक्कतें हैं, लोगों की क्या उम्मीदें हैं जिनको उन्होंने चुना था, चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, क्या वो खड़े उतरे और वो अब क्या चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आवाज, उनकी आवाज, वोटर की आवाज उन तक पहुंचे जो कानून बनाते हैं, सत्ता में बैठे हैं, वो शायद कुछ इसको सुने और सुधार लाएं और क्षेत्र का विकास हो सके, हमारे प्रदेश का विकास हो सके, उत्तर प्रदेश का विकास हो सके, भारत का विकास हो सके। हम लगातार बहजोई में हैं, चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के वोटरों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर ये जो गुस्सा है आखिरकार वो ये गुस्सा क्यों है, क्यों वो इतने उत्तेजित हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर। हमारे साथ एक बुजुर्ग वार थे, उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास तो एक बड़ा एजेंडा है लेकिन वो चाहते हैं कि क्षेत्र में शांति रहे, हिंदू मुस्लिम समुदाय के तमाम समुदाय के लोग मिलजुल कर काम करें। कितना सहमत है यहाँ के लोग, क्या चाहते हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं, एक एक कर्म सभी के पास आएंगे और शुरुआत वहीं से करेंगे जहाँ हमने छोड़ी थी। ये विकास हमारे साथ हैं, ये विकास की बात कर रहे थे, इन्हीं से पूछेंगे। और कोई भी जो हमारे यहाँ पर वोटर हैं वो कहना चाहते हैं अपना हाथ उठा दें, शांति से अपनी बात रखें, सबको मौका मिलेगा। फटाफट 15 सेकंड 20 सेकंड। देखिए, हमें शहर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करना चाहिए, उसका एक सबसे बड़ा और मूलभूत कारण ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए 2 वर्ष से ऊपर का समय हुआ है और उन्होंने देश में विकास की जो गंगा बहाई है, जो उन्होंने अमेरिका के ट्रंप जैसे एक महान व्यक्तित्व के लिए भी झुकने, अपने भारत सरकार के आगे झुकने के लिए विवश कर दिया, तो मेरा तो यही कहना है कि उनकी इस ख्याति को देखकर या उनके इस विकास को देखते हुए हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। ठीक है, वो विकास का अपना मत है, बाकी और लोगों से भी जानेंगे वो क्या चाह रहे हैं। मेरा नाम आशुतोष दास है, बोलेंगे सबकी बात, लेकिन शॉर्ट में अपनी बात रखें। मैं हर मतदाता से यही अपील करता हूँ, हर घर से वोट पाए, हर घर से एक एक वोट,
कि जहाँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्यों सभी क्यों कोई भी रहना नहीं, हमारी यही अपील है। मेरा मेरा जनता के जितने आज 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, 70 साल में लगभग 14 असेंबली है यहाँ, 14 बार एमएलए के चुनाव हो चुके हैं। क्या कोई प्रतिनिधि ये बता सकता है कि मैंने बहेजी के विकास के लिए क्या किया है? उसने कितने स्कूल और कितने कॉलेज, कितने डिग्री कॉलेज या कितने स्कूल जनता के लिए बनवाए, या कितने कारखाने, कितनी फैक्ट्रियां क्षेत्र की उन्नति के लिए उन्होंने बनवाई? उनका सवाल अपनी जगह वाजिब है। एक चीज और आपका संज्ञान में डाल दूं, आज बहजोई जिला मुख्यालय होने के बावजूद बहजोई में जो विद्युत की आपूर्ति होती है वो रूरल के हिसाब से होती है, जबकि यहाँ की जनसंख्या लगभग 1 लाख के करीब है। किसी जनप्रतिनिधि को इस तरफ देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाकी और कोई इनके साथ अपनी आवाज रखना चाहेगा? मेरा सबसे पहला जो मुद्दा है, इस विकास की राह में यहाँ रोडवेज का अड्डा नहीं है, होना चाहिए। बिल्कुल रोडवेज का अड्डा, यात्रियों की सड़क पर खड़े होकर बस को इंतजार करने, जिससे दुर्घटना की हमें संभावना रहती है। हमारा मुद्दा है यहाँ रोडवेज बस अड्डा बने सबसे पहले, और उसके बाद में यहाँ कुछ देखिए, हमारे कुछ नौजवान साथी कुछ बता रहे हैं, जल्दी सामने आइए, समय कम है जी। 10 साल के कार्यकाल में नगर पालिका द्वारा भैजो इस्लाम नगर चौराहे का मुख्य चौराहा है जो, उस पर कोई भी महिलाओं के लिए पेशाब नहीं होना बहुत बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा इन्होंने उठाया है कि जो तमाम बस अड्डा है, सार्वजनिक जो स्थान है वहाँ पर महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय नहीं होता है। आमतौर पर सभी शहरों की ये समस्या है, बहजोई में भी ये समस्या है। इसका हल हुक्मरान करें, यहाँ का प्रशासन करे। बिल्कुल सही मुद्दा है। मैं उत्तर प्रदेश से कहना चाहूंगा कि आप सभी देख रहे हैं सांप्रदायिक ताकतें कितना जोर ले रही हैं, और जो अभी हमारे एक बड़े भाई ने कहा था कि भारतीय जनता को पार्टी दें, वही है जो एक कारण है सांप्रदायिक दंगों का। सारे दंगे उसी की वजह से हो, तो हिंदू मुस्लिम जो लड़ा रही है उससे बीजेपी है। चलिए वो आपका एक मिनट। अखिलेश यादव जिंदा, प्लीज। अखिलेश यादव जिंदा, प्लीज। प्लीज बीजेपी ने क्या किया? पार्टी की बात ना करें। 3 साल हो गए, क्या किया बीजेपी ने? तीन साल में क्या किया बीजेपी ने? कुछ नहीं किया बिल्कुल। वो उनका नजरिया, वो अपनी बात कह सकते हैं। हमारे शहर ने जितना भी वो विकास किया है वो अपने दम पर किया है। हमारे जनप्रतिनिधि ने कभी भी किसी का साथ नहीं दिया है। यहाँ तक कि हमारी लिंक आंदोलन, एक एक्सप्रेस हमारे आंदोलन से रुकी थी, और आज जनप्रतिनिधि उसके लिए नहीं बोले। आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने हमारे लिए बस अड्डा, राजकीय महिला इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज, जो मुख्यालय होने के बावजूद मुख्यालय भी जा रहा है, विधानसभा इन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण गया। यहाँ आज 42 विधानसभा थी, 29 विधानसभा होती थी, और इस 29 विधानसभा के लिए ये जनप्रतिनिधि ही दोषी हैं। इन लोगों ने कभी भी हमारे शहर के लिए नहीं सोचा। 3.25 लाख करीब इस विधानसभा क्षेत्र में वोटर हैं, जिसमें से करीब 1,40,000 महिलाएं यहाँ की मतदाता हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय कोई महिला मतदाता हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि शो के दौरान कुछ लोगों की वजह से हंगामा हो गया था। लेकिन ये मैं सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या यहाँ पे महिला डिग्री कॉलेज है? लड़कियों के लिए कोई हॉस्टल नहीं है? महिला डिग्री कॉलेज बहजोई में बिजली 24 घंटे आती है सर? मेरा नाम 24 घंटे बिजली आती है? नहीं आती सर, डिग्री कॉलेज कोई महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। महिलाओं के लिए बाहर जाना बताया चलो जी संबल सर, संबल कोई सोच नहीं है। महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज खोला जाए, कोई भी आज तक किसी ने, किसी विधानसभा ने ऐसा काम नहीं किया। यहाँ पर युवाओं के लिए खेल का मैदान है सर? कोई भी मैदान नहीं है, कोई भी खेल की चीज कोई भी नहीं है। इसमें सिर्फ बड़ा मैदान था खेल के लिए, वो भी डीएम साहब के आदेश के अनुसार, वो उसे भी किस कार्य लिए के लिए ले चुका है। कोई सरकारी अस्पताल है, कोई डॉक्टर दवाई मिलती है, सरकारी सुविधाएं कम है सर। सरकारी अस्पताल में देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करके ये देश के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। एक सुखद तरीके से चुनाव होना चाहिए, और जो पैसा बर्बाद किया जा रहा है उससे लोगों के लिए रोजगार मिलना चाहिए। चलिए बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, कुछ लोग और रह गए आपके बात आगे। एक मैं छोटा सा व्यापारी हूँ, मेरा नाम चिराग वासले है, लेकिन जो हमारे यहाँ कोई भी क्षेत्र में व्यापार के लिए हमारी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ के जो भी ग्रामीण लोग हैं वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं हमारी बहजोई में, जबकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन सभी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रोजगार नहीं। बिल्कुल रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ के लोग दुखी हैं। इधर से पूछ
मैं एक बात कहना चाहूंगा किसी भी पार्टी रुकिए एक बार शांति रखिए शांति से ऐसे नहीं चल पाएगा समाप्त कर देंगे हम बिल्कुल शांति रखिए जी मुद्दे रखिए पार्टी की नारे मत करिए ठीक है पार्टी के प्रोग्राम नहीं है बिल्कुल मैं किसी कोई भी विधायक बने किसी पार्टी के विधायक मैं ये चाहूंगा कि हमारे विधानसभा के अंदर हमारे विधानसभा चंदौसी विधानसभा के अंदर मैं ये चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर फैक्ट्रियां नहीं है डिग्री कॉलेज नहीं है मैं अपील करूंगा चाहे कांग्रेस का यहाँ का विधायक बने या सपा का बने या बीजेपी का बने या सरकार बसपा की बने या सपा की बने या बीजेपी की बने मैं अपने क्षेत्र के लिए ये मांग करूंगा कि हमारे यहाँ पे कि नाम है डिग्री कॉलेज हो और बेरोजगारी खत्म हो फैक्ट्रियां बने कुछ ऐसा हो जिससे नौजवानों के लिए कारोबार मिले काम मिले सर मेरा कहने का है ये एक तो हमारे यहाँ जाम की समस्या है रेलवे फाटक पर ना तो वहाँ पर कोई पुल है और चंदौसी के अंदर विधानसभा में और चंदौसी में भी कोई पुल नहीं बना अभी तक और दूसरा समस्या ये है कि जो बालिका छोटी कन्याएं हैं उनके लिए कोई भी विद्यालय की व्यवस्था नहीं है तीसरी समस्या हमारे यहाँ बेरोजगारी की है जो कि जितनी भर्तियां निकलती हैं एक वर्ग विशेष के लिए अधिक निकलती हैं तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए सरकारी हॉस्पिटल जो हमारे चल रहे हैं उसमें प्राइवेट वालों ने कमीशन देकर अपने यहाँ पेशेंट बना लेते हैं वहाँ कोई सुविधा नहीं है पैसा आता है तो उसके लिए कमीशन के बेसिस पे वो लोग अपने फंड में ही यूज कराते हैं उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है बिल्कुल उनका मुद्दा सही है सरकारी विभाग में सरकारी चिकित्सालयों में इलाज होना चाहिए शॉर्ट मैं पकड़ रहा हूँ विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या यातायात की है यहाँ एक रोडवेज बस अड्डा होना चाहिए और जो लिंक एक्सप्रेस है उसका भी स्टॉपेज होना चाहिए बिल्कुल जी किसी भी और कोई सवाल किसी का जनता से सरकार आपका हो गया मैं कहना चाहता हूँ सरकार चाहे किसी की बने हमारे शहर का विकास होना चाहिए राज्य का विकास होना चाहिए सर मैं कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ की जो विधायक थी लक्ष्मी गौतम जी वो खुद एक महिला है लेकिन हमारे यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं किया है उन्होंने लेकिन अब लक्ष्मी गौतम का कार्यकाल समाप्त हो गया है अब एक नया विधायक आपको चुनना है जी अब बहुत संक्षिप्त में बताइए बिल्कुल समय समाप्त हो गया है मेरा नाम दीपांशु वाशने है जो प्रमुख मुद्दा है वो बेरोजगारी डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखिए आज आपने देखा कि बहजोई के लोगों में तमाम समस्याओं को लेकर रोष है उनकी अपनी डिमांड्स हैं अपने नेताओं से जिनको वो चुन भी रहे हैं और ये अच्छी बात है कि वोटर बोल रहा है और सबकी बोल खोल भी रहा है आज के इस खास कार्यक्रम में केवल इतना ही कल फिर आपसे मिलेंगे उत्तर प्रदेश के एक नए विधानसभा क्षेत्र में तब तक के लिए दीजिए प्रमोद शर्मा को इजाजत।